गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी। डेफिनेशन है मेरा, एग्जामिनेशन ऑफ बायोप्सी और सर्जिकल स्पेसिमेन इज रिफर्ड टू एज हिस्टोपैथोलॉजी। हम जो बायोप्सी का एग्जामिनेशन करेंगे या कोई भी सर्जिकल यानी ऑपरेट होकर के जो भी स्पेसिमेन आएगा, जो भी टिश्यू आएगा, ठीक है, उसका जो एग्जामिनेशन करेंगे वो किस में करेंगे? हिस्टोपैथोलॉजी में करेंगे। तो इसमें लिटरली मीनिंग क्या होता है हिस्टोपैथ में? दो वर्ड से बना है, आप ध्यान से देखिएगा। आप हिस्टो प्लस पैथोलॉजी। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, पैथोलॉजी मीन्स कि हम, तो इसका मीनिंग क्या हो गया हिस्टोपैथोलॉजी में कि हम जो टिश्यू का जो स्टडी कर रहे हैं यानी डिजीज टिश्यू का जो स्टडी कर रहे हैं वो किसके अंडर है? हिस्टोपैथोलॉजी के अंडर है। ठीक है, एक वर्ड और है आपका हिस्टोलॉजी, हिस्टो प्लस लॉजी। लॉजी मीन्स होता है स्टडी एंड हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, यानी कि जो नॉर्मल टिश्यू का हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज अंडर हिस्टोलॉजी, और वहीं डिजीज टिश्यू का अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है? हिस्टोपैथोलॉजी के अंडर में आता है। ठीक है, तो इट डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू फॉर एनालाइजिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। इट डील्स विथ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स एंड कोरिलेट स्ट्रक्चर विथ फंक्शन। हम क्या बात कर रहे हैं? माइक्रो एनाटॉमिकली इसके स्ट्रक्चर पे क्या एबनॉर्मलिटीज है, उसी चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंडर? हिस्टोपैथोलॉजी के अंडर। और बेसिकली पर्पस क्या होता है हिस्टोपैथोलॉजी का? तो पर्पस ये है मेरा, पर्पस है कि टू रूल आउट मैलिग्नेंसी। पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? पर्पस है आपको टू रूल आउट मैलिग्नेंसी। है मैलिग्नेंट है क्या, कैंसरस है, इसी चीज़ का लिए हम लोग बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। और भी अदर चीज़, इन्फ्लामेशन है, कॉज ऑफ डिजीज़ क्या है, उस नेचर ऑफ डिजीज़ किस तरह का, इसके कंडीशन में भी करते हैं। लेकिन कुछ टर्म्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। टर्म्स यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी क्या क्या टर्म्स है? नंबर एक बायोप्सी। बायोप्सी क्या है कि फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू टेकन आउट फ्रॉम बॉडी ऑफ अ लिविंग पर्सन फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए लिविंग पर्सन का, ठीक है, जो हम क्या करते हैं मांस उसका काटते हैं और एग्जामिनेशन के हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेजते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायोप्सी बोलते हैं। यानी कि मांस का टुकड़ा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं एक लिविंग पर्सन से सर्जिकली रिमूव कर रहे हैं और उसको भेज दे रहे हैं लैब किसके लिए? हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए, उसको क्या बोलेंगे? बायोप्सी बोलेंगे। यहीं इसके अपोजिट क्या है? ऑटोप्सी है। ऑटोप्सी में क्या होता है? डेड बॉडी का आपको स्पेसिमेन होगा, यानी कि जो मेरा टिश्यू होगा वो क्या होगा? डेड बॉडी का होगा, ठीक है। तो बायोप्सी आपका क्या है? दो तरह का है, टू टाइप्स ऑफ बायोप्सी आर टेकन फॉर हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन। क्या क्या? एक्सीजनल बायोप्सी एंड इनसीजनल बायोप्सी। एक्सीजनल बायोप्सी हम क्या बोलते हैं कि इसमें द होल लीजन और मास इज रिमूव, यानी कि जितना बड़ा घाव है, ठीक है, पूरे को रिमूव कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सीजनल बायोप्सी। इनसीजनल बायोप्सी में क्या होता है? अ पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम द लीजन और मास इज रिमूव फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। यानी कि इनसीजनल बायोप्सी में हम क्या करते हैं, जो लीजन है उसका छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, पीस लेते हैं और उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं लेबोरेटरी में। वहीं पे अब नेक्स्ट हम क्या है, ऑटोप्सी अभी बताए आपको। फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू टेकन आउट फ्रॉम डेड बॉडी, यानी कि जो हम टिश्यू लेंगे वो क्या होगा? डेड बॉडी से लेंगे, तो वो क्या है? ऑटोप्सी है। यानी कि हम लोग एक चीज़ करते हैं पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोप्सी। अब नेक्स्ट है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्या है? यहाँ पे वर्ड से मालूम है हमको, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन होना, तो मेरा क्या होगा? इट मीन्स सेल्फ डाइजेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू। यानी कि सेल्स जो मेरा टिश्यू है उसमें क्या होगा कि एंजाइम्स है वो क्या करेगा? खुद से डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसिस बोलते हैं। बायोप्सी आता है तो मेरा पहला पर्पस क्या है, पहला क्या काम है कि हम उसको फिक्सेशन करें, यानी कि उसको उसके ओरिजिनल अवस्था में ही हमको रखना है,
ठीक है, नहीं तो सेल्स क्या हो जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक है, तो इसी डिकम्पोजिशन बचने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, फिक्सेशन में डालते हैं टिश्यू को। तो अब हम क्या बोलते हैं, टू प्रिवेंट दिस पुट द टिश्यू सून आफ्टर रिमूवल फ्रॉम बॉडी इनटू अ फिक्सेटिव, यानी कि हमको ऑटोलाइसिस से प्रिवेंट करना है तो हम क्या करते हैं, तुरंत जैसे ही आया मेरे पास पहले में हम क्या करेंगे, फिक्सेटिव में डाल देंगे। और कॉमनली फिक्सेटिव यूज़ क्या होता है, वो 10% फॉर्मलिन यूज़ होता है एंड इट इज़ ऑल्सो प्राइमरी फिक्सेटिव। बाद में फिर आपको बताएंगे प्राइमरी फिक्सेशन क्या है, सेकेंडरी फिक्सेशन क्या है। पुट्रीफेक्शन, पुट्रीफेक्शन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टिश्यू इज डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये प्रोसेस जिसमें क्या होता है, टिश्यू डिकम्पोज होता है, यानी कि हम क्या करेंगे, आया मेरे पास बायोप्सी, हम उसमें कोई भी आपको फिक्सेटिव एड नहीं किए तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा सेल डिकम्पोज करने लगेगा, मेरा टिश्यू डिकम्पोज करेगा, क्योंकि बाहर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उसको इन्वेट करेगा। ठीक है, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ भी, ये सब क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा। नेक्स्ट है आपका फिक्सेशन। फिक्सेशन में हम बात करते हैं, फिक्सेशन में क्या बोल रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द टिश्यू इन द सेम कंडीशन एज रिमूवल फ्रॉम द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग ऑटोलाइसिस बाय कीपिंग दिस इन फिक्सेटिव सॉल्यूशन। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि मेंटेन कर रहे हैं हमको उसके ओरिजिनल अवस्था को। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमको टिश्यू जिस नेचर में मिला उसी नेचर में रखने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्सेटिव यूज़ करेंगे, यानी उसको फिक्स करना होगा। दैट टर्म इज़ कॉल्ड फिक्सेशन, यानी सेम कंडीशन में हमको रखना है जैसे ही बॉडी से रिमूव किया। क्यों ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेरा ऑटोलाइसिस हो जाएगा। तो इसी ऑटोलाइसिस को प्रिवेंट के लिए हम क्या करेंगे, फिक्सेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, डिहाइड्रेशन, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम टिश्यू एंड सेक्शंस। जो मेरा टिश्यू है उसको क्या कर रहे हैं, उससे वाटर रिमूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे वाटर रिमूव कर रहे हैं। तो ये वाटर रिमूव के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन बोलेंगे। एजेंट यूज, क्या एजेंट यूज होता है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट्स ऑफ अल्कोहल, यानी इंक्रीजिंग ग्रेडियंट्स ऑफ अल्कोहल हमको यूज करना है फॉर द पर्पस ऑफ डिहाइड्रेशन। यानी कि हमको क्या करना है, 50% अल्कोहल से लेकर के 50% अल्कोहल, ठीक है, उसके बाद 70% अल्कोहल, 70% अल्कोहल, 80%, 90% एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे हमको चलना है, यानी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, मेरा डिहाइड्रेशन होगा, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट्स ऑफ अल्कोहल में। अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, हाइड्रेशन, सीधे अपोजिट है डिहाइड्रेशन का, प्रोसेस ऑफ टेकिंग द सेक्शन टू वाटर। सेक्शन क्या है, सेक्शन हम जो बोलते हैं थिन स्लाइसेस, जो आपका क्या होगा, ये प्रोसेस होने के बाद ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक बनने के बाद क्या होगा, माइक्रोटोम पे ये ट्रिम होकर के कट होता है इनटू थिन स्लाइसेस, बहुत ही पतला 3-5 माइक्रोमीटर। इस थिन स्लाइसेस को क्या बोलते हैं, सेक्शंस बोलते हैं। इसी सेक्शन को हम क्या करते हैं, वाटर की तरफ ला रहे हैं, तो ये वाटर की तरफ लाना दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन अपोजिट, यानी कि वाटर रिमूव करना। वाटर रिमूव कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट्स ऑफ अल्कोहल की तरफ जाएंगे, वाटर से इंक्रीजिंग ग्रेडियंट्स ऑफ अल्कोहल, दैट इज डिहाइड्रेशन। और अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इधर से हम थे तो इसके अपोजिट चलेंगे, ऐसे चलेंगे टुवर्ड्स वाटर, वाटर की तरफ चलेंगे, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, ये आपका हाइड्रेशन हो जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ हाइड्रेशन सेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिक्रीजिंग ग्रेडियंट्स ऑफ अल्कोहल टू वाटर, डिक्रीजिंग, ऐसे करके डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, क्योंकि देखिए हिस्टोपैथोलॉजी में हमको क्या करना है, मैलिग्नेंसी रूल्ड आउट करना है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है क्या, ट्यूबरक्लोसिस भी है ऐसा भी, या फिर काउज ऑफ डिजीज, ये भी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी का एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद और चीज़ आपके का है कि इसमें जो स्टेप्स आता है, पहला क्या काम है हमको,
टिश्यू आएगा लेबोरेटरी में, मेरा पहला वर्क क्या है कि हम उसको फिक्सेशन में डालें, यानी फिक्सेटिव यूज़ करें, फिक्स करें। और फिक्सेटिव जो यूज़ होगा वो कितना टाइम ज़्यादा होगा उस टिश्यू के, तो यानी फिक्सेटिव जो हम यूज़ करते हैं वो 10 times क्या होता है आपका, 10 times मोर, यानी कि 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए उस टिश्यू से, यानी कि वो जो टिश्यू है वो प्रॉपरली डीप हो ताकि आसानी से उसको जो पेनेट्रेट करे और वो फिक्स हो, फिक्स मतलब ओरिजिनल अवस्था में रहे, ठीक है। यही चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेटिव कितना यूज़ करेंगे तो वो 10 times एटलीस्ट 10 times कम से कम ज़्यादा करेंगे, जितना बड़ा टिश्यू है उससे 10 गुना ज़्यादा फिक्सेटिव ऐड करेंगे ताकि आसानी से मेरा टिश्यू पेनेट्रेट करे। अब एक और चीज़ आता है कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा टिश्यू है उसको क्या करना है, फिक्स करके रखना है। अब टिश्यू मेरा बहुत बड़ा है तो उस टिश्यू को क्या करेंगे, दे आर कट इंटू स्मॉल पीसेज एंड देन दे आर फिक्स, यानी कि उसको छोटा छोटा पीस में काट देते हैं ताकि आसानी से पेनेट्रेट, बड़ा टिश्यू होगा तो पेनेट्रेट उतना नहीं कर पाएगा तो प्रॉपर फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आसानी से उसको स्मॉल पीसेज में काट देते हैं और तब सेटिव में डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब फिक्सेशन कितना देर में होता है तो ये 12 से 24 घंटा, कम से कम 12 से 24 घंटा लगता है फिक्सेशन में, 12 to 24 hours किसमें, फिक्सेशन में। इसीलिए जब आपको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए एग्जामिनेशन लेता है तो आप पेशेंट से क्या लेते हैं, 5 से 7 दिन टाइम लेते हैं, यानी कि हम एक दिन फिक्सेशन में लग देते हैं, उसके बाद एक नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं उसका टिश्यू प्रोसेसिंग, ग्रोसिंग एंड टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद फिर हम ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक बना करके उसका सेक्शन कटिंग करते हैं, सेक्शन कटिंग करके फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिवैक्स करते हैं, डिवैक्स करने के बाद फिर उसको हम डिवाइस के बाद हम क्या करते हैं, रिहाइड्रेशन करते हैं एंड देन स्ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेनिंग के बाद फिर माउंटिंग, माउंटिंग के बाद फिर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड देन रिपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए आपका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में इतना टाइम लगता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है आपका, डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन हम कब बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम, डीकैल्सिफिकेशन या वर्ड से हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है, कि जो मेरा कैल्शियम रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, डीकैल्सिफिकेशन बोल रहे हैं। किससे, तो फ्रॉम बोन और अदर मिनरलाइज हार्ड टिश्यू टू मेक इट सॉफ्ट फॉर सेक्शन कटिंग। जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं माइक्रोटोम पे तो क्या होता है कि सेक्शन कटिंग से पहले यानी प्रोसेसिंग में ही हमको एक स्टेप आता है डीकैल्सिफिकेशन। सबका डीकैल्सिफिकेशन नहीं करते हैं, जो भी बोन है यानी हार्ड टिश्यू है और ऐसे टिश्यू का डीकैल्सिफिकेशन करते हैं, तो इस कंडीशन में थोड़ा मेरा और ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि एक प्रोसेस डीकैल्सिफिकेशन है, इसको करना पड़ता है। जो मेरा एजेंट यूज़ होता है वो क्या है, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड HCl हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये सब हम लोग एजेंट यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद डीकैल्सिफिकेशन बाद क्या करेंगे, क्लियरिंग एजेंट, केमिकल यूज टू मेक द टिश्यू ट्रांसपेरेंट टू नेकेड आई बाय रिमूविंग अल्कोहल ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड स्टेनिंग। मतलब कि हम जो वैसा केमिकल यूज़ करते हैं जो क्या करे मेरा टिश्यू को ट्रांसपेरेंट करे, ताकि हम क्या करें उसको, ठीक है, नेकेड आई से देख लें, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के दौरान ही हम ऐसा करते हैं और स्टेनिंग के दौरान, यानी कि प्रोसेसिंग और स्टेनिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, क्लियरिंग करते हैं। और क्लियरिंग एजेंट मेरा कौन सा यूज़ होता है, एजेंट यूज आर ज़ाइलिन एंड क्लोरोफॉर्म। कॉमनली जो यूज़ होता है वो आपका क्या है, ज़ाइलिन, ये कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग हम क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं। अ प्रोसेस बाय विच द क्लियरिंग एजेंट इज इलिमिनेटेड, यानी कि जो मेरा क्लियरिंग एजेंट है वो अब क्या होगा, बाहर होगा फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर इम्प्रेगनेशन ऑफ इम्बेडिंग मीडिया, यानी कि हम लोग पाराफिन वैक्स यूज करते हैं, ठीक है। इम्प्रेगनेशन, इम्प्रेगनेशन क्या है, अ प्रोसेस दैट अलाउज द इम्बेडिंग मीडिया टू इंटर द टिश्यू वाइल क्लियरिंग एजेंट इज डिफ्यूज आउट, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं,
अब इसमें हम लोग 56 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी वैक्स जो मेरा है पैराफिन वैक्स है, ये क्या होता है 56 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाता है। ठीक है, एक आइडियल पैराफिन जो होगा वो क्या होगा 56 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। ठीक है, तो इस अवस्था में हम क्या करते हैं, इसी में टिश्यू हम लोग जो ब्लॉक क्या बन के चल रहे थे अब तक, मेरा कैसेट में डाल के चल रहे थे। कैसेट क्या होता है आपका, ये आपका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, जिसके अंदर मेरा क्या होगा आपको यहाँ पे बायोप्सी स्पेसिमेन यानी जो टिश्यू है वो होगा और उसका लैब का आईडी होगा। ठीक है, इसमें हम लोग इस कैसेट के अंदर में उसी में क्या करते हैं प्रोसेसिंग में चलाते हैं। तो प्रोसेसिंग में सबसे पहला काम हम क्या किए, डिहाइड्रेशन किए। डिहाइड्रेशन के बाद दूसरा काम हम क्या किए, क्लियरिंग किए। ठीक है, अगर वो टिश्यू बोनी है तो उससे क्लियरिंग से पहले डिकैल्सिफिकेशन करेंगे, ठीक है, एंड देन क्लियरिंग करेंगे। अगर बोनी टिश्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन एंड देन क्लियरिंग। क्लियरिंग के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको इम्प्रेगनेशन करना पड़ेगा, यानी कि इस मेल्टिंग वैक्स पे 56 डिग्री टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं एटलीस्ट 1 से 2 घंटा हम इसको यानी ये कैसेट को छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ब्लॉक अ लिगामेंट ऑफ टिश्यू स्पेसिमेन प्रॉपरली कट एंड ट्रिम्ड फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि हम क्या करते हैं आप ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक कैसे बनाएंगे, ठीक है, ब्लॉक बनाने के लिए आपके पास क्या होता है, ल्यूकार्ड आता है या फिर मॉल्ड आता है। ठीक है, MOULD, मॉल्ड, मॉल्ड या ल्यूकार्ड, LEUKART, ल्यूकार्ड। ठीक है, ये आता है, तो ये क्या होता है, दो L शेप का इस तरह से हम अरेंज करें, दो L शेप को हम इस तरह से अरेंज करें कि ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। दो L शेप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि, क्योंकि L शेप का क्या होता है, ल्यूकार्ड में क्या होता है, दो L शेप का, ठीक है, स्टील का या लोहा का बना होता है, तो ये L को ऐसे अरेंज करें कि ये स्क्वायर बन गया। अब उस स्क्वायर में मेल्टिंग वैक्स डालेंगे एंड देन जो प्रोसेस टिश्यू आया था यहाँ तक हम, यानी इम्प्रेगनेशन तक, इस प्रोसेस टिश्यू को फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रिम हल्का सा कट करते हैं एंड देन इसको इसमें रखते हैं, फिर मेल्टिंग वैक्स डालते हैं। और ये मेल्टिंग वैक्स आफ्टर क्या हो जाएगा, जब टेम्परेचर मेरा डिक्रीज करेगा तो ये सॉलिड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, वैक्स तो ये सॉलिड फॉर्म आएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉक इसी तरह से बनता है और ये ब्लॉक को फिर क्या करते हैं, फिर हम सेक्शन कटिंग में यूज़ करते हैं और उसी से हम लोग स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोटोम। माइक्रोटोम क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग थिन स्लाइसेज ऑफ टिश्यू, यानी कि हम लोग टिश्यू को जो बोले ना 3 to 5 माइक्रोमीटर हम लोग इतना छोटा कट करना है तो क्या करते हैं, इतना छोटा कट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोटोम का। इसमें नाइफ होता है, बहुत ही शार्प होता है वो। ठीक है, और ये जो अब सेक्शन कट हुआ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अब ये स्लाइड पे क्या करेंगे, स्लाइड पे एक एल्बुमिन रब करके ऐसे स्लाइड बनाएंगे, स्मियर बनाएंगे। स्मियर में क्या करेंगे, ये जो सेक्शन कटिंग हुआ इसको ट्रांसफर करेंगे एक बीकर में जिसमें वाटर होगा, हॉट वाटर होगा। ठीक है, उसको हॉट वाटर से फिर क्या करेंगे, स्लाइड पे यहाँ पे लेंगे स्मियर को। पहले स्लाइड में क्या करेंगे हम लोग, एडेसिव यूज़ करेंगे। एडेसिव में एक एल्बुमिन कॉमनली यूज़ होता है, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड देन ताकि वो मेरा स्मियर आसानी से चिपका रहे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडेशन। एडेशन में क्या बोलते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द सेक्शन ऑन द स्लाइड सो दैट इट इज़ नॉट वॉश्ड अवे ड्यूरिंग स्टेनिंग प्रोसेस। बोले आपको कि ये मेरा क्या है, सेक्शन स्लाइड पे ही फिक्स रहे। ठीक है, इसी चीज़ ताकि मेरा जब हम वॉश करें तो, या स्टेनिंग प्रोसेस में जब वॉश करें तो मेरा ये वॉश अवे नहीं हो, धूल नहीं जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एडेसिव यूज़ करते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड एडेशन। एग एल्बुमिन इज कॉमनली कॉमनेस्ट एजेंट फॉर दिस पर्पस, यानी इस पर्पस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एग एल्बुमिन। एग एल्बुमिन क्या है, एल्बुमिन का वाइट वाला पोर्शन, नॉट एलोइस, एलोइस इज अ यॉक। ठीक है, तो वो एलोइस वाला पोर्शन नहीं, ठीक है, वाइट वाला पोर्शन। नेक्स्ट है आपका क्रायोस्टेट।
ये क्या है, ये भी आपका एक तरह का माइक्रोटोम ही है, ठीक है। कोल्ड बॉक्स कंटेनिंग द माइक्रोटोम, ठीक है, ये कोल्ड बॉक्स है। टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर ऑफ दिस बॉक्स इज -22 -30 डिग्री, ठीक है, इतना टेम्परेचर होता है माइनस में, ठीक है। दैट इज ऑल्सो फ्रीजिंग माइक्रोटोम। रिहाइड्रेशन टू रिप्लेस पाराफिन फ्रॉम सेक्शन बाय वाटर प्रायर टू स्टेनिंग विद वाटर सोल्युबल स्टेन, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, यानी स्टेनिंग करने से पहले हमको क्या करना है कि पाराफिन जो मेरा, क्योंकि अभी जो सेक्शन कटिंग किए थे अब तक मेरा पाराफिन मिक्स था ही सेक्शन के साथ, तो इससे पहले एक वर्ड आता है, आपको क्या करना है रिहाइड्रेशन से पहले डीवैक्स करेंगे। डीवैक्स, डीवैक्स मतलब कि हम क्या करेंगे, 56 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो वैक्स मेल्ट करेगा। ये वैक्स मेल्ट करेगा तो इसको क्या करेंगे, टिल्ट कर देंगे, ऐसे टेढ़ा कर देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ज़ाइलिन में डाल के छोड़ देंगे 1 से 2 घंटा। आफ्टर 1 to 2 आवर अब हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे रिहाइड्रेशन, ठीक है। यानी स्टेनिंग से, क्योंकि हमको वाटर सोल्युबल स्टेन यूज़ करना है तो हमको रिहाइड्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। मेथड इज, अब रिहाइड्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट्स ऑफ अल्कोहल टू वाटर, यानी कि डिक्रीजिंग ग्रेडियंट्स, यहाँ पे बताए थे आपको हम कि डिक्रीजिंग ग्रेडियंट्स में क्या होगा आपको, यानी 80% अल्कोहल, 70% अल्कोहल, 50% अल्कोहल एंड देन वाटर, ठीक है, ये आपका रिहाइड्रेशन हो गया। नेक्स्ट है, अब क्या करते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग में क्या बोल रहे हैं हम कि प्रोसेस ऑफ कलरिंग द सेक्शन टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि हम प्रॉपर जो मेरा न्यूक्लियस का प्रॉपर क्या, कौन सा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि कौन सा स्टेन कर रहा है, मेरा साइटोप्लाज्म कैसा स्टेन कर रहा है, इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कलर करते हैं, इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं, स्टेन बोल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेनिंग, ठीक है। तो कॉमनली जो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन यूज़ होता है वो क्या है, HNE स्टेन जो कॉमनली यूज होता है हिस्टोपैथोलॉजी में, क्या है, हेमाटॉक्सिलिन एंड ईओसिन। और भी बहुत सारे हिस्टोकेमिकल स्टेंट्स है, वो डिपेंड करता है कि किस नेचर का टिश्यू है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन यूज़ करते हैं, बट HE स्टेन कॉमनली यूज होता है। माउंटिंग, नेक्स्ट है माउंटिंग। माउंटिंग में हम क्या बोल रहे हैं कि टैपिंग द स्टेन एंड क्लीन सेक्शन विद द ट्रांसपेरेंट मीडिया विच इज मिसिबल इन क्लीनिंग एजेंट एंड कवरिंग इट कवर स्लिप, यानी कि जब हम स्टेन कर लिए, इस स्लाइड को स्टेन कर लिए, तो ये मेरा स्मियर है, इसके बीच में ये स्मियर है, ठीक है, ये स्मियर है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए, कि क्योंकि आपको हिस्टोपैथोलॉजी में बार बार बायोप्सी नहीं होने जा रहा है पेशेंट का, ठीक है, तो उसको आपको प्रिजर्व रखना है अप टू 2 ईयर्स 3 ईयर्स और मोर देन, ठीक है, इससे भी ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, इसको परमानेंट स्लाइड बनाना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग में क्या बोल रहे हैं कि इसमें माउंटिंग में मेरा दो चीज़ कॉमनली यूज़ होता है, DPX और कनाडा बालसम, ठीक है। तो DPX जो हम लोग करते हैं उसमें डालते हैं 1 ड्रॉप एंड देन हिस्टोपैथोलॉजिकल जो कवर स्लिप आता है, ठीक है, वो प्लेस करते हैं, और एयर बबल्स इस तरह से प्लेस करते हैं कि एयर बबल्स नहीं आए, और इसको हम छोड़ देते हैं। अब ये मेरा परमानेंट स्लाइड हो गया, ठीक है। फिर मान लो कि सेकंड ओपिनियन चाहिए, आपको स्लाइड ब्लॉक देना पड़ेगा, ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, ये चीज़ प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। दिस इज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट सेक्शन। परमानेंट सेक्शन प्रिपरेशन के लिए हम लोग करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, एजेंट यूज इज DPX एंड कैनेडा बालसम। DPX, ये DPX को हम लोग क्या बोलते हैं, डीप पेनेट्रेटिंग एक्स एंड ऑल्सो कॉल्ड डाइस्ट्रीन पॉलिस्टीसीजर जाइलिन, ठीक है। तो ये सब मेरा क्या हो गया, ऑलमोस्ट आपको टर्मिनोलॉजीज यूज हो गया। अब हम लोग फिर स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी में कैसे हमको वर्क करना है। आपको बताए फिर से एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले बायोप्सी आएगा, सबसे पहला हमको क्या काम करना है कि उसको फिक्सेशन में डालना, यानी फिक्सेटिव यूज़ करना है, फिक्सेशन पहला पर्पस। दूसरा, पेशेंट से हमको प्रॉपर उसका आइडेंटिफिकेशन लेना, नेम, एज, सेक्स एंड देन उसके बाद हिस्ट्री कि किस तरह का स्पेसिमेन है, उसमें लेबलिंग कर देना है। एंड देन अप टू 1 to 2 डेज, 1 से 2 दिन बाद फिर हम क्या करते हैं, ग्रोसिंग करते हैं,
यानी हिस्टोपैथोलॉजी जो हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रोसिंग करते हैं, यानी कि नेकेड आई से हम वो पोर्शन लेते हैं जहाँ से मैक्सिमम एबनॉर्मलिटीज हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो चीज़ हम लोग कर लेते हैं ग्रोसिंग के बाद, एक कैसेट लेते हैं, कैसेट में क्या करते हैं, उसके जो लैब का आईडी नंबर है उस आईडी नंबर के साथ उसको हम लोग प्रोसेस में चलाते हैं। प्रोसेस में क्या होता है मेरा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के बाद क्लियरिंग, क्लियरिंग के बाद एंड देन इम्प्रेगनेशन, इन्फिल्ट्रेशन, इम्प्रेगनेशन, उसके बाद आपका क्या होगा, ब्लॉक मेकिंग होगा, ब्लॉक मेकिंग के बाद ठीक है माइक्रोटोम पे सेक्शन कटिंग होगा, सेक्शन कटिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं एडहेसिव यूज़ करते हैं स्लाइड पे, ठीक है स्मियर बनाते हैं, स्मियर को डिवैक्स करते हैं, डिवैक्स के बाद हम करते हैं रिहाइड्रेशन एंड स्टेनिंग, स्टेनिंग के बाद माउंटिंग, माउंटिंग करने के बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड देन रूल आउट करते हैं कि इज इट मैलिग्नेंट और नॉट, यानी कैंसरस है कि नहीं है। थैंक यू।